क्वेश्चन ये है कि आपने अभी जस्ट रेप के बारे में बताया, तो जब सपोज कीजिए किसी ने रेप किया एक इनोसेंट गर्ल का, उसके बाद उसे 40 या 20 दिन या साल के लिए उसे जेल हो गया, और उसके कुछ ही दिन बाद पता चला कि उसको मतलब बेल हो गया जेल के बाद से, वो चला आया वहाँ से, तो वहाँ वो क्यों हुआ, उसको फांसी क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीज़न है क्या? नहीं देखो बाबू, ऐसा पॉलिटिकल रीजन नहीं होता है। क्या होता है ना, कभी भी कोई क्राइम होता है, बी इट रेप और एनीथिंग, क्राइम होने के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है पुलिस का, कल्प्रिट पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, हमारा काम हो जाता है। उसके बाद में आता है जुडिशरी का काम, जहां उनको ट्रायल चलाना है। अब इस एंटायर ट्रायल के प्रोसेस में ये कम्प्लीटली अप टू द जुडिशरी है कि उनको उसको बेल देना है कि नहीं देना है। इट इज नॉट इन एनी वन हैंड्स टू डिसाइड अदर देन द जुडिशरी की उसको बेल देना है कि नहीं देना है। सो नाउ आई कैन नॉट कमेंट व्हाई जुडिशरी गिव्स द बेल, बिकॉज देर आर वेरियस एन नंबर ऑफ रीजंस टू इट, विच इज राइट नाउ नॉट पॉसिबल ऑल्सो टू टेल यू डिटेल में कि क्या है क्या नहीं है, बट बहुत सारे एक्स वाई जेड रीजंस होते हैं उसके वजह से उसको बेल मिलती है। तो किसी क्रिमिनल को बेल मिलना ये कम्प्लीटली जुडिशियल प्रोसेस है, जो जुडिशरी डिसाइड करती है कि उसको बेल मिलता है कि नहीं मिलता है।